अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों की फेवरेट है। तो आज हम बना रहे हैं टी केक। तो सबसे पहले मैंने जो है वो केक का मोल्ड ले लिया है और इसको जो है वो मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। अगर आपके पास बटर है तो बटर से भी कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर बटर पेपर जो है वो अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मेरा जो केक है वो स्टिक ना करे। तो ये हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो 2 कप जो है वो मैदा जो है वो मैंने छान कर रख लिया है और 1.5 कप जो है वो शुगर मैंने जो है वो अच्छे से छान कर रख ली है और उसको मैंने पीस लिया था। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है वो चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी और 1.5 कप जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मक्खन। और मक्खन जो है आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करूँगी और इसके लिए हमें चाहिए 4 eggs। और मेक श्योर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अब मैं एक बाउल के अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ सारा मक्खन और उसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और देखिए मेरा मक्खन कितना सॉफ्ट है क्योंकि रूम टेम्परेचर है। तो मेक श्योर कि आपका भी जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और अच्छे से बीट करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर हमें इसके अंदर बिल्कुल पिसी हुई यूज़ करनी है और आप इसको घर में पीस लें या आप इसके अंदर आइसिंग शुगर यूज़ कर लें, क्वांटिटी बिल्कुल सेम ही होगी। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मक्खन और चीनी जो है वो एक जान हो जाए। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो 1 by 1 eggs ऐड करूँगी। और आपको एग जो है वो एक एक करके ऐड करना है, ना कि आप एक साथ सारे यूज़ कर दें। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। अब देखें ये एग जो है वो मैं इसके अंदर डालकर बीट कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर दूसरा एग डाल रही हूँ तो इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। और ये रेसिपी बच्चों की फेवरेट होती है, बहुत ही टेस्टी केक बनता है, बहुत ही सॉफ्ट। तो लास्ट एग भी जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आएगी और बहुत रिक्वेस्टेड जो है ये रेसिपी है। अब मैंने इसको अच्छे से इसको भी मैं बीट कर रही हूँ। इसको हम जब तक बीट कर लेंगे कि कोई लम्ब्स इसके अंदर ना रहे और साइड में जितना भी जो है वो मैदा वगैरह लगा हुआ था, चीनी वगैरह लगी हुई थी, वो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। अब मैं इसको जो है वापस से बीट कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे बिल्कुल के सारे चीज़ें जो है वो एक जान हो जाएं। अब मैंने एक छन्नी इसके ऊपर रख ली है, बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और मैदा इसको हम अच्छे से जो है वो छान लेंगे। मैदा आप और बेकिंग पाउडर जितना आप छाने हैं उतना ही अच्छा आपका जो है केक बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये आप लोगों को मैं टिप दे रही हूँ और ये आप बिल्कुल ज़रूर करके देखिएगा, बहुत सॉफ्ट केक बनेगा। और मैं इसको पहले स्पैचुला से जो है वो मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो केक है वो एकदम उड़ने ना लग जाए, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और अब इसको केक का बैटर जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं बीटर की मदद से। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी और मेक श्योर कि हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर हो, एग जो है वो रूम टेम्परेचर हो, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ, वाइट एंड ब्लैक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, मेरे पास थे तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब इसको जो है वो मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब मैं इसको मोल्ड में निकाल रही हूँ और मैंने ओवन जो है वो प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 40 मिनट्स के लिए। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर केक डालूंगी। आप भी 40 मिनट्स के लिए ओवन 180 डिग्री पर जो है वो प्रीहीट होने के लिए रख दें। और मैं इसको अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि जो हमारा केक है बिल्कुल सेट, जैसे हम करें फिर वैसे ही ये बनेगा। तो अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ और देखेंगे 20 मिनट्स बाद कितना अच्छा ये इसका कलर आ गया था। लेकिन मैंने इसको 20 मिनट्स और बेक करा और देखें इसका फाइनल लुक। तो ये 30 to 40 मिनट्स में आपका केक रेडी हो जाएगा और ये 2 pound के करीब आपका केक होगा। जब भी आपके घर पे कोई भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके गेस्ट आएँ तो आप ये केक ज़रूर बनाएं टी टाइम में। बहुत ही यमी टेस्टी केक है। सब आपसे पूछेंगे कि आपने केक कहाँ से मंगवाया है और बहुत ही अच्छा केक है। और सबसे बड़ी बात कि घर में बना हुआ है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक है ये, जैसा आप लोग बेकरी से ख़रीदते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी आती है, इतने सारे जो आपके पैसे उसमें लग जाते हैं। लेकिन घर में आप आराम से इसको बनाएं और बहुत ही कम पैसों में आपका ये बिल्कुल बन जाएगा केक।
और मैं अब आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और देखें कितना आराम से ये सॉफ्ट था तो टूट गया है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये केक है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी। तो मेक श्योर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।